लगता फिर अच्छा नहीं लगता। उतनी लिस्ट नीचे है वो लास्ट है, इतना लास्ट है कि पहले फर्स्ट ट्रेन 589 से शुरू होती है। जब 600 मिलियन एक ट्रेन एवरी ईयर हमें सारा दे दे, 600 की नई ट्रेन हम लोगों को देते हैं ठेकेदार, उन लोगों को ट्रेन देनी है तो चलेगी सही, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है। ये नया स्टॉक आ गया ना, नई कोचेज आ रही है 230, फिर ये ट्रेनें नई कोचेज हम इन ट्रेनों में ग्रीन लाइन वगैरह में डाल दें, ये कोचेज लेके फिर हम इस तरह की ट्रेनें चलाएं। जो पुरानी कोचेज है ओल्ड कोचेज बिल्कुल ओल्ड है, वो ट्रेनों से निकाल के वो फिर ऐसे जो नई ट्रेन चलाएंगे तो ये शाटे ही तो हमारी कभी खत्म ही नहीं हुई। पाकिस्तान रेलवे में शाटेज ऑफ कोचेज फ्रॉम ट्रेन कभी खत्म, मैं 10-12 साल गेटवे कोचिंग कर रहा हूँ, 600 कोचिंग शार्ट नहीं इनफेक्टिव, वहाँ वो तो 1200 भी हो सकती है। इनफेक्टिव जो है ना वो शार्ट नहीं होती। एक हमने ट्रेनें चलाई उसमें मुझे 1000 कोच चाहिए, तो मेरी जिंदगी गुजर के देखते कि मिनिमम 30-35 तो हर सूरत शार्ट है, नहीं तो 80-85 ये ट्रेनों में से शार्ट होगी। आप जो वो बात कर रहे थे ना प्राइवेट सेक्टर वाली, अब लाहौर जाना वाला सेक्टर है कभी 1.5 कोच से ज्यादा नहीं गई, उसकी कंपोजिशन है साथ, जब आपने कंट्रैक्टर को देनी है तो साथ से देनी है। अब वो साथ से ले गया, ट्रेन भी अच्छी उसने दार थोड़ी बहुत मेंटेन करा रही है हमसे ही, तो छोटे सेक्टर के कोचेस तो वो इतना पैसा नहीं लगाते बड़े पे लगा, जैसे ये सर सैयद है लगाए उन्होंने इसमें भी नहीं, सर सैयद को अपने हिसाब से बनवा बाकी ट्रेनें अपना, ये जो पहले हमारी चली थी फ्रीज एक्सप्रेस ये 3 साल पहले चली है, 3 साल आप पूरे कर रही है, 6 साल ही है उसको रेल चलाया तो वो नहीं अभी भी नहीं ले सकते, वो एक सेक्शन है अलग वो आपसे पकड़ा ही नहीं, कहते हैं आउटसोर्सिंग। ऐसे सेक्शन जहाँ हमारा स्टाफ नहीं चलने देता तो फिर आउटसोर्स अच्छी होती है, वो 6 साल से हमें पैसे दे रही है और उतने पैसे दे रही है कि हमने पिछले 15 साल में नहीं कमाए, जो 6 साल में 20 साल में नहीं कमाए, इतने पैसे वो चलती थी 4-5 कोचेज से, कॉम्पोजिशन उसकी बड़ी थी, अब ये 16 कोचेज से चल रही है अपनी तरफ, 16 का हम पोटेंशियल उसका 16 कोचेज का बना के फिर वो ये लाहौर प्राइवेट कसूर पाक पतन कराची चौदह से एक ट्रेन हजारा एक्सप्रेस ये चल रही है, ये हमने जब दी थी ना ट्रेन अभी इसका टेंडर हमने 2-3 दफा किया किसी ने लिया है, तो वो कुछ हमारे हाथ से ठीक नहीं है, जब एक बंदे ने हमें 101% पोटेंशियल का 101% दे और 3 साल चलाए, अगर आप समझे तो 101 नहीं कि 112-113 तो परसेंट उसको टैक्स डाल के हो गया ना, उसके बाद उसने फिर कमाया भी है, उसका जो एक्सपेंस आते हैं अपने जो आ रहे हैं वो तो 130 से कम नहीं होगी, 130 से कम नहीं होगी। उस बंदे ने 3 साल ये ट्रेन चलाई है और प्लस में चली, उसके पास क्या एक बंदा है सिर्फ, उनके पास ओनली वन मैन शो है, कोई चीज हिल नहीं सकती उसके अलावा, वो वन मैन शो है। और उसको मैंने कहा यार रेल पूरी ले जाए उसको चला सकता है ना, अगर एक बंदा 4 ट्रेनें चला रहा है उसके ऑर्डर के बगैर एक कील भी नहीं लगती, वो था डिसीजन मेकर ओनली वन। इधर देख लें मैं हूँ असिस्टेंट अफसर है सीनियर है डिप्टी है चीफ है एजीएम है सीईओ है चेयरमैन है, वहां डीजी बैठे हैं, किस किस के पास जाएगा
देर में केस का बेड़ा गर्क। वो जो हम प्लान करते हैं ना, प्लान होता है कि आपने प्लान एक बंदे ने आपने बना लिया, शेयर कर दिया, उसको फिफ्टीन डेज वन मंथ डिसीजन करना, यस और नो। बनाने वाला बैठा उसको छह एक साल पूरा पता नहीं चलता क्या हो यार, ये कर दो ये इसमें से कर दो। एक्चुअली जो बनाता है मैनेजर वही होता है, उसको क्वेश्चन करे ये ना कहें ये निकाल दो ये डाल, इधर ये नहीं होता। सारी पैसेंजर जो वो आउटसोर्स कर रहे हो, देखा कौन मैंने 32 का टेंडर दिया था जैसे मैं ट्रांसफर हूँ, 32 ट्रेनें टोटल रेल में 32 थी, एक थी वो कोई सबको रेलवे वाली मैंने नहीं उसमें दी थी दो ट्रेनें, बाकी 32 की 32 का मैंने टेंडर दिया था, पांच गई थी चार गई थी आए भी, एक ने ब्रेक दी रही है चार पांच ट्रेनों की जिसमें ग्रीनलैंड है, कराकरम है, तेजगाम है, रहमान बाबा है, उसने ये हमारी ग्रीनलैंड है 2 बिलियन कमा रही है, 2.5 बिलियन उसकी बैठी वो है नया पहले नहीं चला। अब पांच छह ट्रेन में उसको थोड़ा सा भी झटका लगा ना बिलियन का लगा, बिलियन वाली बात नहीं है, पांच छह बड़ी ट्रेनों में हमारी दो दिन ट्रेनें बंद हो जाए हम बिलियन पे चले जाए। एक ट्रेन अगर मेरी कार्गो की 11.5 बिलियन कमा रही है, चार ट्रेन डेली चलती है, दो दिन में बंद होगी मेरा तो 100 बिलियन है, तो इनको भी खसारा होगा। लेकिन ये जाहिर है इन्होंने अपना काम करना होता है, ये लोगों को सिटी देख के लोगों को कर लेते हैं। ये जो फ्रीज एक्सप्रेस चला रहा है वो बंदे ने चेंगची वाला नंबर दिया हुआ है, आप अड्डे में होंगे जो लोग कराची जाना चाहते हैं वहां से ले आओ 100 रुपया दे रहा हूँ सीट पर उनका, अब किराया भी पैसेंजर से लेता है 100 मालिक से भी लेता है, मार्केटिंग है ना। देखो मार्केट में घुस के ये सारे चेंगची वालों को वो पैसे देता है कि तुम उससे किराया भी लो स्टेशन पे हम भी पैसे देंगे वो सीट भी देंगे उस बंदे को लेके, रेल ऐसे कर सकती है नहीं, हम तो टिकट दे के तो आए तो पूछ लेना हमसे ये जरा टिकट मेरी वो नंबर वो बंदा बैठा हुआ मैं आता हूँ कि मैं खड़ा हूँ आऊंगा ट्रेन में आऊंगा पहले करिए वो कर, वो तो फुल केयर करता है इसलिए वो लोग कामयाब भी चला सकते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम। ये जब 47 बिलियन कमा रहे हैं मान के लाओ 60 बिलियन तक रेल के होंगे, 60 बिलियन से ऊपर कमाओगे तो 50-50 लाख होते हैं चलाओ, मैंने 15 बिलियन ज्यादा दे रहा हूँ किस चीज का दे रहा हूँ, फ्रेट और पैसेंजर दोनों ही आउटसोर्स करनी है ना दे दो किसी ने करने नहीं थी। अगर आपका शौक है तो आप 10 में से 1 में कामयाब होंगे, 9 तो वो लग कर दीजिए आपको, ये सारी ट्रेनों के फेर है हमारे, जैसे आप कह रहे थे ना कि सारी हर ट्रेन देख लें, लेकिन इसमें ये होता है कि लास्ट हमारा फर्स्ट बेस वही है ना मिनिमम वाला छोटी ट्रेनों का, सबसे बड़ी ट्रेन हमारी कराकरम है, ये कराकरम जो है ना ये हमारा बेस पे हाईएस्ट फेयर जो हमारी स्पेशल ट्रेन चलती है ना वो हाईएस्ट फेयर से चलती, लेकिन उसके बस चार्जेस भी होते सिर्फ सीट चार्जेस होते, तो हाईएस्ट फेयर वाली सिर्फ हमारी कराकरम, इसके ऊपर अगर हम को ट्रेन चलाते हैं ना या ग्रीनलैंड नई ट्रेन चलाएंगे तो उसमें सर्विसेज के पैसे डालेंगे, बेस हमारा फेयर वही हाईएस्ट वही हो, यानी ग्रीनलैंड चलाई तो उसको सर्विसेज के हमने पैसे 700-800
1,000-1,500 डाल दिया कि हम सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं, लेकिन बेस फेयर उसका कर रहा है। हम कोई भी ट्रेन चलाएंगे जो हाईएस्ट अच्छी ट्रेन है वो तो करा कर उनके फेयर को बेस बना के आगे उसका सर्विसेज के पैसे लगाएंगे, हम कितनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक, बेस तो बढ़ेगा, ये अभी बेस ही है तो चल रहा है, आप इसको बेस समझो। आप मिनिमम साइट तो जब रेल बनी थी उस वक्त का ये सिनेरियो का हुआ, फ्रेट का भी यही। हमारी जो गुड्स रेट टेबल है, कोचिंग हमारी है, ये हमारी कोचिंग की भी है, ये दोनों में पर किलोमीटर इसका किराया पर किलोमीटर लिखा हुआ है, उसका जो है पर टन किलोमीटर। फ्रेट में भी आप देख रहे हैं कि वो जो बनी है उसको एक साल से लटका दिया गया, वेरिएबल डाल बना दिया, लटकाया क्यों किया? वो वेरिएबल हमें कंपटीशन में जाके हम बिल्कुल नहीं आ सकते, कंपटीटिव है ना बाई एयर के बाई रोड के। हम हमारी ट्रेन फ्रेट की हो पैसेंजर की हो, अगर हम रोड से नीचे रहेंगे तो ट्रेन चलेगी, नहीं तो लोग हमारे पास नहीं है। तो उसकी जगह अगर हम एटलीस्ट 2,500-3,000 तक भी चले जाए, हम रोड से तो कम ही रहेंगे ना। ठीक है, आप देखिए वो एसी में जा रहा है ना, सर्विस की बात आ रही ना, सिर्फ से दे रहा है ना, उसने ऐसी बस बना दी। अभी लाहौर पिंडी चल रही है वो, मेरा ख्याल उसका कोई 3,500 है, कितना है 3,000 के करीब। तो हम लोग तब भी 34 तक लेके जा सकते, वो चौथे दिन कम कर दे, वो 200-400 उसको कम कर, वो तो चलते कहता है यार आज किराया कम दे दो, बस वाला तो आपने ले लेता है, वो छात्र में बैठाता है कहता काम दे दे। आप बताएं मेरे फेयर नहीं बढ़े तो पैसे भी उनके बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? हमारे भी बढ़ गए। अभी उन्होंने सिर्फ मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने रुका होगा, वैसे हमारे फेयर अभी तक रोक नहीं सकते, गवर्नमेंट को चाहती है ना, सियासत भी तो उससे करना है ना, पॉलिटिकल जो है ना। अब देखो कितना हाई है पॉलिटिकली, अब हमें जो मुझे नजर आ रहा है कि 3 दिन से अगर नहीं ना इंक्रीज हुए वो सिर्फ पॉलिटिकली कहा है कि यार 8-10 दिन ठहर जाओ के बाद कुछ कर, पर अब तो चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट में भी 7 डेज रिक्वायर्ड। मैंने एक चीज देखी है कि हमारे फेयर तब बढ़ते हैं जब पॉलिटिकली जो आपके मिनिस्टर ऐलान कर देते हैं कि 10% इंक्रीज होगा तो होगा, हमारा HST बढ़ जाए या कुछ भी बढ़ जाए उसके साथ नहीं बढ़ता जब तक अपर लेवल पे भी पर ऐलान नहीं करता कि 10% बढ़ गया। बेस हमारा हमेशा फ्यूल होता है, मैंने आपको बताया ना कि 132 फ्यूल हो गया तो हमने फेयर लेके ऊपर 80 तक आ गया, हमने काम ही नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, ये फैक्टर है। तो आप उसको देखें कि पॉलिटिकली हम आप नीचे लाने के लिए हमें किसी ने नहीं कहा, वैसे फेयर बढ़ाने के लिए पॉलिटिकली हमें कोई कहता नहीं है, अगर कोई झगड़ा है गवर्नमेंट को वो दूसरी चल रही होती ना किसी ने नहीं बोलना था, उसी को बढ़ जाए किसी ने नहीं बोलना, अब क्योंकि वो एक झगड़ा है
उसकी वजह से शायद इन्होंने कहा यार चार दिन खड़ा होके ख्वाजा साहब ठहर जो चले लो लग गई पहले आ रहा है मैं जब बड़ी महंगाई होगी उन्होंने कहा रेल में तो अभी रहने दो क्योंकि वो हमें इसका तो देते ही है ना वो कहेंगे जी हम तो आपको पैसे देते ही हैं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि हमें बढ़ाने के लिए कभी उन्होंने नहीं कहा कि इंक्रीज की हमारी सैलरी नेक्स्ट डे बढ़ जाती अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाए थोड़ा 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये हम नहीं कुछ भी करते जब हम देखते हैं ना कि फ्यूल काफी हमारा ज्यादा बढ़ गया है फिर हम का एक और बात भी है जब हमारे फेयर्स बढ़ते हैं तो फौरन न्यूज आ जाती है सारे चैनल पे कि फेयर्स बढ़ गए और अगर जैसे वोट के बढ़ते हैं या फिर ट्रेन के बढ़ते हैं तो उनकी फेयर्स नहीं आते कि उनके बढ़ गए सुबह कम होने पर आते सुबह तेल जब फ्यूल जिस दिन हुआ है इंक्रीज उसे सुबह 6 बजे न्यूज में देख रहा था लाहौर पिंडी 1750 से 1950 हो गई आ गया था शिवत आ गया था न्यूज ये जियो में मैंने पढ़ा था लाहौर पिंडी ये हो गई नहीं आती उनको चाहिए देखिए मीडिया को तो कंट्राडक्ट चीजें चाहिए ना वो उसके तो उसने उसी वक्त पकड़ लिया कि देखे रात को 12 बजे बढ़ा तो अभी उन्होंने कहा पूरी न्यूज उन्होंने बकायदा लिख दिया कि 1750 से 1950 उन्होंने फेयर कर दी न्यूज तो सबकी आती है सिर्फ कुछ क्योंकि वो आप समझे माफिया का कुछ हिस्सा है हम माफिया नहीं हम तो मुफ्त हो रहे हमारी तो खबरें ढूंढते हैं कि इनकी लगाओ भाई वो माफिया है ना जो रोड और ट्रकर है ना रोड वाले और ट्रक वाले माफिया क्या आप समझते हैं कि वो पैसा गुवर है वो प्राइम मिनिस्टर तक उसके लेवल नहीं है ये हो ही नहीं सकते मिनिस्टर तो उसको छेड़ते ही नहीं उसकी खबर लगाने में न्यूज लगाने में कुछ दिखती है उसने अपनी न्यूज दे दी हुई जब हम नोटिफाई करेंगे वो हमारा डीपीआर दे दो लेकिन बैठे हमारे पास भी होते नहीं कभी जाते कोई ना कोई 2-4-5 फैसे होते हैं कि बीत है दे ले रहे हमारे गले लगे होते हैं मैंने कभी नहीं वैसे किसी को अपनी फिर जितनी जिंदगी मैंने बनाई है मैंने न्यूज नहीं थी एक दफा ख्वाजा साहब के जमाने में हो गई थी लीक तो मैं उस दिन है ही नहीं था ये अमीन फीज ने उस दिन की चलाई नेक्स्ट डे मैं आया तो चल गई मैं भी उसका बना रहा था तबरी चल गई सारे हमारे चीफ एडियन आ रहे थे उन्होंने मार गया तू मैं क्या हुआ तेरी खबर चल गई मैं यार मैं तो दफ्तर ही निकलना उन्हें क्या जियो ने चला दी मैं मेन फीस को क्या उन्होंने बॉस तेरा काम नहीं है तो मैं कल तो ले आया तो असि ये रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मैं वह प्रूफ ना चलता मैं सस्पेंड था मेरे दो तीन दोस्त थे मैंने पकड़ लिया कहाँ से वो मैं तो सीधा सीधा सस्पेंड था हमने कहा जी हमारा चैलेंज है बताएं किसने दिए कल कौन कौन बैठा था जो डिसीजन आपने लिए हाँ मैं से कोई नहीं था बताएं कौन था अगर नहीं तो हम बंदा अभी बताते राजे साहब ने छोड़ो यार छोड़ो बस ठीक है वरना हम तो मरे इसी तरह होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग न्यूज अभी बड़ी सीक्रेट होती है ऐसी नहीं कोई हमारा कोई चीफ या ऊपर वाला न्यूज ब्रेक करता है नीचे वाला करके तो बच ही नहीं सकता बहुत बड़ी न्यूज है ये नोटिफाई होने से पहले अगर वो डाल दे तो नहीं खा सकते जी आपने बताया कि आपने अपने
ये एक हमने कंसेशनल फेयर रखे हुए हैं, कुछ सेक्शनों पे हम कंसेशन ले लेते हैं। तो और पिंडी है ना, आप किसी भी ट्रेन में जाएं तो एक ही फेयर हो, उधर तो आपने देखा ना कराकरम का लहदा है उसका लहदा। अगर करा ग्रीनलैंड का फेयर जो है ना वो इनके साथ नहीं मिलता, बाकी सारी ट्रेनें जो है ट्रीटमेंट लाहौर रावलपिंडी पिशावर कोई भी ट्रेन जाएगी वो बेशक तेजगाम है या रेलकार है या जाफर है फिर एक ही हो, एवरी क्लास का टिकट एक ही होगा जिसमें बदल चला। ये अब हमने इसीलिए दिया हुआ है कि एक तो उस सेक्शन पे छोटा सेक्शन है लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ये इसकी टिकट ये है उसकी ये है, हमने शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर को कैरी करने के लिए तो एक बताया कि हमारा जिसमें मर्जी जाए हम एक ही बाटा रेट, ये बाटा रेट हमने लगाया हुआ तो और पिंडी पिशावर ये लिखा हुआ आर रेलकार अवाम एक्सप्रेस खैबर मेल जाफर तेज गांव, बाकी भी दो तीन ट्रेनें आ गई हैं उसमें। इसमें जिस ट्रेन में फैसिलिटी ज्यादा होगी फिर लोग उस तरफ ही ज्यादा जाएंगे, आज मुझे क्या मेरी गाड़ी जा रही है मुझे प्रॉब्लम है खड़े होके जाना, मेरी जो रेल कार है जो 4,500 चलती है ना वो सबसे ज्यादा कमाई ज्यादा करती है, इधर पिंडी से चलती है ना सुबह 9 से चलती है 7:30 इधर से 4:30 उसके स्टॉपेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा कमाई उसकी रेवेन्यू वो कमा रेल कार 103-104 है रेवेन्यू में वो हाई जो हमारी नॉन स्टॉप है रेवेन्यू में काम 6 गए ये है ना ट्रेनें सारी ट्रेनें लिख दी फेर तो यही लग रहा है ट्रेनें तो ऊपर लिख दी ना फेर यही लग रहा है फेर तो नहीं चाहिए पिंडी का दिखा देता हूँ किसी 290 ये है पिंडी का 290 ये फेर 1400, 1200, 1900, 550 ये 400 था फेर इंक्रीज किया तो मैंने लिखा हुआ था कि रेल कार के किराए इकॉनमी के हम नहीं बढ़ाए, हमारे एक सीएमए साहब थे कैरेज के वो बोले नहीं नहीं पैसेंजर बढ़ा है अब बढ़ा दो, उनका नहीं 100 रुपया बढ़ा दो भाई मारे जाए बढ़ाओ, अब हम कम्पिटेटिव नहीं रहे, ये 550 रुपया आप बैन में जाए तो ये हम कम्पिटेटिव नहीं है, वो 400 था अभी भी 450 था ना तो फिर ठीक था, तो फिर हम कम्पिटेटिव तो ना रहे। आप ये बताए हर बंदा स्टेशन से नहीं आके बैठ, हर बंदा जो अड्डे के नजदीक है कभी भी मैंने दूसरी बात किस ट्रेन को देखेगा, रेल कार है इस वक्त फुल होती सीट मांगे जगह नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, वो लगेज में जाते हैं, हमारे पास सिर्फ फैमिली ट्रैवल ज्यादा करती है, जिसको सूट करती है रेल वो रेल में जाता है, जो लोग स्टेशन के नजदीक है क्या जिसने बाहर जाना वो जाता है, लेकिन जिसने कहा यार मैं इतने पैसे क्यों दूं, अब तो बाहर का बहुत किराया पहले तो उसने 7,000 कर दिया, मैं कराची गया हुआ तो हमारी मीटिंग आ गई इस्लामाबाद
मैंने कहा यार आप तो बड़े पैसे खर्चे, उन्होंने कहा 7,000 हो गया, 7,000 बदले हैं हम ले रहे थे उस वक्त, हम भी 7,000 ग्रीनलैंड का लेंगे तो बेटी तो हम नहीं लड़े। और ठीक 15 दिन बाद उसने बहुत ज्यादा फेर पड़ा दिया। ये उनकी रिफ्लेक्शन होती है हम नहीं कर। अब हमने ये 500 किया था ना, ये 550 हो गया, अभी ये 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। बाकी ट्रेनें इसमें और भी हैं, ये मुल्तान की ट्रेन है। जब मीटिंग में बैठे हैं वो आपने हर बंदे की राय ली थी, जब बैठे होते हैं ना सब हम मीटिंग में, हर बंदा बोल सकता है। भाई देखो एक बंदा नहीं बस तो हम भी तो उस पर बोलते हैं, जीएमए को बोलते हैं जो लेना है। ट्रैफिक वालों को पिट स्टॉप हमारा होता है, टैमल सीएमए का होता है, लोकोमोटिव फिट हमारा है टैमल उसका, ड्राइवर उसके जब ऑपरेशन में आ जाते हैं वो हमारे। ये नहीं है, लेकिन जब बैठे होते हैं कोई भी बोलता है उसकी सजेशन सुनी जाती है। वो तो मैंने एक मिसाल आपको बताई है, हमने लिखा नहीं उसने 100 रुपया बढ़वा दिया, चल 50 ही बढ़ा दे, खराब करेगा ना, खराबी मिलेगा कोई नहीं, कोई नहीं मिलती खाली होती। मैं तो जब भी गया मुझे तो कभी जगह, मैंने बताया ना हमारी कार्यक्रम 81% ऑक्युपेंसी है, मैं प्रोजेक्ट बना रही है ना ऑक्युपेंसी पे, लेकिन वो ट्रेन अपनी कास्ट का 77% फुल कास्ट का वही केली करवा रही। पैरामीटर तो एक ना, आपने कास्ट को लेना है या ऑक्युपेंसी को लेना। एक ट्रेन मैंने आपको दिखाई कि 121% चल रही है, देखो वो अपनी कास्ट का पे 61 या 62%, तो उसकी ऑक्युपेंसी के साथ तो ना आज पैरामीटर सारे देख लिया। अगर सीटें हैं आपका तो मैं कम करके दे दूँ क्या, बड़ी नहीं पड़ा करूँगा। आप 1 रुपया भी किसी को कम नहीं दे सकते, यू आर रिमूवल फ्रॉम सर्विस, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है गवर्नमेंट का है ना। चलता है हमारा 2,000 2.56 पर किलोमीटर कंज्यूम करता है, 5 लीटर नहीं लीटर 0.56 पर किलोमीटर। सिंगल साइड एक रेट का आ गया। ये इसका सिंगल साइड भी करेगा,
एक दिन का तो फिर ही बनेगा ना ट्रंप बैंक 2,17,000। अब ये तो इसका हमारा पक्का है। अब एक रेल कार अगर कमा रही है 200 मिलियन, पांच लाख 47,000 तकरीबन 5,48,000 कमा रही है सिर्फ रेल, 2,00,000 तो यही होगा। ये आप एक दिन की कमाई की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं वो पूरे साल को मैंने डिवाइड कर रहे 365 200 है तो वो 5,47,000 5,17,000 तो बाकी देखें वायबिलिटी ऐसे बनाए ना तो वो बड़ी बराबर तो उसमें इक्वल इक्वल 200 मिलियन का एक रेल कार 200 के नियर वर्ड को 200 से ज्यादा है तो 203 है तो 202 है, ज्यादा नहीं है। ये एक रेल कार 240 हाँ ठीक 2018 में 215 थी, 240 है रेल का टैंक, ये रेवेन्यू है, ये वायबिलिटी है ट्रेनों की। आपने किसी प्रोजेक्ट में चलना है आपने सिर्फ पोटेंशियल रेवेन्यू लेनी है, ये रेवेन्यू ये नहीं लेना, कोई भी आपने करना है आपने पोटेंशियल लेना है, उसका पोटेंशियल कितना है। आपने एक सेक्शन को वायबल बनाना है तो उसकी विद इन लिमिटेशन ऑपरेशनल आप उसकी कंपोजिशन बढ़ा के उसको वायबल बनाओ, लेकिन पोटेंशियल ही लेंगे। पेंशनल अर्निंग एक कोच की 78 सीट है, 78 × 1850 डिस्टेंस कितना लगा एक कोच का, डिस्टेंस कितना लगा था पूरा डिस्टेंस किस पे, यानी कि उत्तरी डिस्टेंस पे लोग कहते होंगे ना आप पे करें दाहो से कराची अगर ट्रेन जाती है तो कुछ लोग तो फिर लोही उतर जाते होंगे ना। आपने जब पोटेंशियल लगानी है वो 100% है, वो पूरा डिस्टेंस हो वो नहीं है, आप पैसेंजर को नहीं कर सकते कि वो यहाँ से बैठेगा वहां से बैठेगा, ये नहीं, पोटेंशियल इज 100%, पोटेंशियल कहते हैं 100% को वो पैसेंजर। ये जो आपने देखी है ना 121%, ये है अलामत बात, ये आपकी बात पूरी कर जो आपसे है। अब पोटेंशियल इसका देख लें कितने, कि पोटेंशियल इसका है 1241 सब बढ़िया, ये 1241 है कमा रही है 1505, वो कैसे कमा रही है, वो ज्यादा भी कमा रही है, दो पसिटी है भी अच्छी कोचेस दो ऐसे ज्यादा किराया ज्यादा लगा रहे हैं फिर कभी ये स्टेशन टू स्टेशन उसका किराया कोई ऐसा नहीं है, उसका पैसेंजर स्टेशन उसके स्टाफ ज्यादा है, अवाम एक्सप्रेस है वो अवाम भी इधर होगी देख लें उसको भी वो इधर से गुजरती है। अच्छा ये है, ये देखें 91% है, ये क्यों है 91, वो 120 क्यों है, वो भी स्टाफेज वाली सबसे स्लो अवाम है ना हमारी या खैबर मेल है बहुत स्लो है। एक दिन मैं अपने बेटे को एसी में बैठा बैठा उसने कहा आपको मैंने जिंदगी में वहां पे ठीक बैठा सर्दी में वापस आया था नहीं हम तो सफर करते हैं हम तो कभी किसी ट्रेन में नहीं बैठते लेकिन आप बच्चे नहीं ना मारते तो ये देखें कि ये 91 है इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वो ओनली इकॉनमी क्लास ट्रेन है ये एसी है एसी 4 महीने 3 महीने
इन चार मिलों में कभी वो 30% रहती है, कभी 40% रहती है, कभी 50%, इससे नहीं पड़ती। तो चार मिल इसको मार देते हैं इसी बात। इकॉनमी में आप खड़े हो कितने टाइम यहाँ से लॉस करते हैं? सर तो में कंपोजिशन चेंज क्यों नहीं करते? ये एसी वाले ने कहा कि इकॉनमी ज्यादा कर रहे हैं, रैंक कंपोजिशन जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। कोचेस कहाँ से लाते हैं? कोचेस कहाँ से लाते हैं? कह रहे हैं भाई साहब के 600 कोचेस मैंने देखा है, डैमेज पड़ी है, कहाँ से लाए? वो 600 रिपेयर नहीं हो सकते, उसके लिए गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। जब आप चलेंगे ना तो उसका बेस तो पीछे है ना सिस्टम, इसलिए कहते हैं कि सिस्टम चले तो सब कुछ चल सकता है, सिस्टम नहीं चलता तो एक और काम हो सकता है। सर्दियों में एसी तो चलता नहीं है तो फिर आप कराया जो है ना इकोनॉमी या इकोनॉमी से थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं। आपको पता है एसी चलता है सर्दियों में, अगर आप 20 दिसंबर से 31 जनवरी तक जगह लेकर दिखाएं यहाँ ग्रीनलैंड में आपको मान लो यही है सर्दी का महीना, मुझे जगह लेकर दिखाई अवामी में नहीं होती। नहीं नहीं इसकी भी नहीं जगह होती, 20 दिसंबर से 31 जनवरी तक यही है ना सर्दी पाकिस्तान में, एसी किसी में जगह नहीं होती। ये बता रहा हूँ कि ये 1 दिसंबर या 15 नवंबर से 20 दिसंबर तक छुट्टियों का है, बस देख ले यहाँ हो या एक रम आ जाते हैं उसमें हो, हमारा रमजान आ गया, एक रमजान से 15 रमजान तक हमारी ट्रेनें उड़ गई, एसी उड़ गई, फिर ये कम रमजान से 15 तक उड़ जाती। अब 15 दिन के लिए कंपोजिशन कैसे चेंज करोगे जब 5 दिन के बाद रहेगा कैमरामैन का चेंज होना, अब चेंज नहीं कर सकते ना उसका, 5 days के बाद जाके कैपिटल दोबारा मिलती है। सर पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं तो 100% ऑक्युपेंसी के ऊपर करते हैं और फर्स्ट स्टेशन से लेके बस लास्ट तक। ये जो दरमियान वाली है ना ये तो आप नॉन स्टॉप चला रहे हैं तो उसमें रुकने वाली है, कार्यक्रम एक दो स्टॉप है यहाँ देख लें उसके एक दो स्टॉप है है एक नंबर देख ले वो एक नंबर की है बिल्कुल टॉप पे, वो 876 मिलियन दे सर की यहाँ पे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम आता है वो मार्केटिंग में एक SRO एक ACM भी कोई नहीं है एक चीज बस बताएं क्या करें आपको पता मार्केटिंग का ये सारा काम मार्केटिंग का जो मैंने आपको बताया मैंने बनाया हुआ है ना मेरा ही काम है किसी और से लेकर बनाएंगे मेरे कंप्यूटर से निकलेंगे तो वो लाएगा नहीं तो नहीं। सर मैं एक चीज नोट कर रहा था कि जो इंडिया की रेलवे है सर उनकी मार्केटिंग काफी स्ट्रॉन्ग मतलब उनके अगर आप देखोगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो चलते हैं रेलवे को प्रमोट करने के लिए और इस तरीके की सेमिनार्स करते हैं आप इंडिया में चले गए उसका एक भी नेट बोल्ट एक बोल्ट पड़ा ना एक साल बाद जाकर देख लो वो पड़ा रहने इधर को लगा हुआ तो वो भी उखाड़ के ले इंडिया में नहीं कोई हाथ ही नहीं लगा सकता वो उसको इंडिया वाले वो काले पानी फेंकते वो बंदा नहीं फिर उनको मिलेगा जो रेल का एक भी चीज पड़ी हुई वो मैं तो पड़ी हुई लगी हुई लोग निकालते लेके जा डर होगा ना पाकिस्तान में डर ही नहीं है कुछ भी कर रहा हो तो पता है कि डर तो बात है पहले तो हमें सिस्टम जिन्होंने डर डालना है वो खुद भी ठीक होना था आप अपने ऊपर हो ना बस तो फिर तो नहीं हम कह रहे सिस्टम मैंने पहले दफा ही आपको बताया था कि सिस्टम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा एक बंदे पे हम नहीं कह सकते एज ए टीम क्यों कहते हैं वो सिस्टम है हम तो यही कह सकते मैं तो आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ
ना किसी की बात करता हूँ ना अपनी करता हूँ। सिस्टम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो। है ना हमारे को फिर इंडिया के साथ कैसे कम्पिटिट। अच्छा हमारी हमने कंट्रैक्टर रखे हुए हैं वो हमें जो मर्जी खिला रहे हम खा रहे हैं लोग खा रहे हैं कि बराबरी है। इंडिया में आपको पता क्या उन्होंने कंपनी बनाई हुई है जिस तरह हमारी टैक्स नहीं है कंपनी बनाई हुई है उसका काम ही सिर्फ फूड का है। पूरी ट्रेनों में उसने कहा जी इतने पैसे ले लो माइनस प्लस अपना करती प्राइस की। हमने कहा प्राइस तो ले लो बेटे इस तरह कोई डिसीजन देखो ना। तो आप जैसा बच्चा अच्छा है कहे जी लाओ मैं फूड करता फिर चलता इनिशिएटिव लो आपको दे देंगे दे देने वाले दे देंगे दे। जो आपके ऊपर होगा मैं कहो क्यों मरवाना है मुझे मैं सिस्टम पे हूँ मेहनत करें आपको अगर चार डिसीजन ना तो आप दो में कामयाब होंगे। अगर आप करेंगे आप देखें आपको भी तो देखेगा डिसीजन तो आपने कर वही है ग्रो नीचे से होगा सारा सिस्टम की बात है। बाकी ये कहेंगे ये हो सकता है नहीं हो सकता रमान बाबा की 47-48 हाँ ठीक है, है? क्यों क्या वजह तो कमाया दूसरे सिर्फ पांच भी नहीं जब ट्रेन पिटी से चलती है या पिशावर से चलती है वो 8-9 कोचेस से ज्यादा जा ही नहीं सकती वायबल नहीं रहती। इसको फैसलाबाद से जाके बाकी कोच पहले तो 12 कोचेस चल रही थी बड़ा मैंने झगड़ा डाला शेख साहब के साथ हर ट्रेन का मैंने कहा 17 से कम कोई नहीं। वो रोज कहता था यार तू ये गलत दे रहा है मैंने कहा हम गलत है भाई कर अल्लाह का शुक्र है वो मान गया फिर हर ट्रेन की हमने 17 कोचेस कर इसलिए ये हमारा रेवेन्यू कुछ बढ़ा। आप स्टैंडर्ड रखे ना एक लोकोमोटिव जा रहा है 18-19 लेके जा सकते आप 12 को चला अगर आपके पास कोचेस नहीं है वो ट्रेन ही ना चलाए। अगर रमान बाबा चलानी है ये रमान बाबा बनी चली सर सैयद चली इनकी हमने पोटेंशियल बनाई हमने टारगेट ले ली कहाँ है आप प्राइवेट है कहाँ कर रहे हैं ये देखो ईयर देखो ऊपर ईयर देखो ऊपर ईयर देखो 18-19 से ज्यादा थी है। ये सर सैयद का कितना है नहीं नहीं प्रॉफिट जो है ना ये है ना ये कमा रही है हमने दिया मेरा ख्याल है 1350 में शायद हमने 1350 में प्रॉफिट में तो है ट्रेन तो प्रॉफिट में है ट्रेन में कोई मसला नहीं हमने 1350 में भी आजकल सबसे ज्यादा प्रेफर एसी को किया जाता है इसको सबसे तो हम भी चला रहे थे ना ये हम भी चला रहे थे 1300 कमाया अब 1350 लेके हमने सारा स्टाफ उतार लिया ना लाहौर से कराची देखे कितना स्टाफ लगता है उसके बल्ब उसकी भी छोटी-छोटी चीजें वो वाशिंग में खुद ठीक करता है रस्से में खराब हो खुद ठीक करता है अगर कहीं पावर मैन प्रॉब्लम दे जाती है रस्ते में कहीं उसको पैसे लगा के हमारा बंदा कह देता है कि ये चीज चाहिए तो ये चल देगा वो पैसे लगाता है उसमें एक हम नहीं कर सकते हमारा को बदला कर सकते हैं रूट्स टेकिंग पे नहीं कर सकते प्लस पॉइंट है ना उसका है
आठ की करेगी, जब जा इधर से आठ रही है आपको फैसलाबाद, तो आठ की करेंगे आगे फैसलाबाद से आगे करेंगे। देखिए जहां से कोच मुल्तान से लाती उसकी ऑक्यूपेंसी उधर से लगे, उसका पोटेंशियल तो वहां से पड़े, ऑक्यूपेंसी तो वहां से लगेगी। हाँ वो लगा रहे ये तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ये देख, ये हम बहुत आगे चले गए थे, सवाल तो आपके फिर ऐसे ही है ना। ये देखे मैंने ना एक खुद इसको बनाया हुआ पूरी रेल का, उसके बाद नहीं मैंने बनाया, दो तीन साल बनाया, तो मेरे से टाइम ही नहीं मिला। मैं क्योंकि ये बना हुआ है जो आप कह रहे हैं वो देखे, पेशावर कैसी 9 कोचेस, लाहौर केसी 7 कोचेस, ये इसकी कास्ट है, ये और ये। मैंने इस कास्ट को डिवाइड किया है कि अगर उसकी 20 मिलियन है तो मैंने 9 वाला रेशियो 9 को दे दिया है, 7 वाला जो आता है वो 7 को दे दिया, इक्वल कर दिया पर कोच निकाल के ना, यानी टोटल कास्ट को पर कोच से करके उसको 9 से किया कि कितने अमाउंट है बकाया 7 में कितनी, वो मैंने डिवाइड कर दी। इसी तरह पोटेंशियल डिवाइड होगी। ये तो एक मैंने ना बनाया हुआ, ये कास्ट है, ये फेयर है, ये देखें ये कैसे चल रहा है, ये पर किलोमीटर है, यहां से ड्राइव होती है। ये तो आपने जनरली 7 या 9 से डिवाइड कर दिया ना, कॉस्ट को कास्ट को किया, आप मैकेनिकल के अंदर कितने हमारे एक ही है, इसलिए अकेला को अच्छा आप दोनों को मैं जानता हूँ, बच्चे को सारे मैंने पहचाने ये भी मैंने पहचाना हो ऐसी मुझे नहीं समझ आती बैकवर्ड इसलिए मैंने कहा यार आपको तो मैंने देखा देते तो मुझे जानते हैं आप मिले हुए मैंने आपको भी मिला इसको मिला इनको भी मिला कहाँ होता है कहाँ क्या चल हेडक्वार्टर छोड़ ऐसे ही है मैं हर जगह जाता हूँ मैं ना ये कहीं भी कोई देखता था ना तो कहते थे ये ऑपरेशन का बंदा ही नहीं है तो ये कहते थे ये इलेक्ट्रिकल का है मैकेनिकल का है सिविल का है ज्यादा मुझे सिविल का कहते थे तो एक थे वाह अब्दुल वाह अब्दुल वाह भगवान पीएस लॉ था ये ब्रिज कराची में जो गिर गया सारी बिल्डिंग कुछ रात को जा रहे इतना बड़ा क्राइसिस हो गया तो उन्होंने कहा आज जी सारे सेंटर तो मैं लेके पहुंचे था पहुंचा ना वो सारे आ गए थे उधर ना वो सारे डीएम डीएम टोटल टीम थी डीएस के साथ मैं ठीक है वो सारे लग रहे तो मैं फिर जब सारा करता रहा उसने कहा यार ये बंदा बोलता है उसने डील कहा जी मेरे पास ये स्टैक कोचेज नहीं है मैंने कहा साथ खड़ी है वाचिंग मैन डील साहब क्या कह रहे हो उसने कहा ऐसे मैं नहीं बात कर रहा ठीक कह रहा हूँ मैंने कहा ये कोच के नंबर है उस वक्त में कोई हेडन जनरेशन नॉन हेडन जनरेशन का झगड़ा होता था मुझे कोई कोच बोलती नहीं थी
बेशक जैसे बनती वो फिर रिवीजन में गए, उन्होंने कहा ये बंदा सिविल का है, उन्होंने कहा उनका मैकेनिकल का, उन्होंने कहा उन्होंने कहा ट्रैफिक, उसने कहा यार वो बात ही वो नहीं करता, वो मेरे डी को कैसे, आप डिविजनल अफसर सारे बैठे थे फिर उसको पकड़ो यार, मैं डी एस के चीफ का, उन्होंने कहा उसको पकड़ना इतना आसान नहीं, काम करता है वो डेली अपने माइंड में रखता है हर चीज, अब डी को तो पता ही नहीं है, तो फॉर्मल पे पड़ी होती है, मैंने जिंदगी में किसी पे नहीं डाला उनका, तो जब वो डी एस थे तो मैं एक दफा डिजिनेस वालों का या मुझे घर ला करा वो सब चलती उनकी थी, उसने वो बिजनेस वाले को कहा कि यार ये लाट कर दो यार, उसने कहा मैं नहीं कर, कहता यार सारे शायद आपको, कहता नहीं करूँगा पर रूम से हो, अगले दिन मैं चला गया डी एस के पास, मैंने कहा जी क्या करा, कहता बैठ, मैं कहा सर देखो मैं तो जी नहीं करते, मैं रह गया मैं चार घंटे को बुलाया तेरे हाथ को लेटर दो, अब वो चार को उसने लेटर बनाई उसको फोन कर रहे यार वो डॉक्टर मैंने निकाल दिया, उसने कहा मैं तुझे कहा था तू ऐसे काम काम करे तो फिर इज्जत भी करो, मैं अनमोल था वो मुझे नहीं जानता, लेकिन देखो एक बात से उसने मुझे कितनी इज्जत, काम करें आपको इज्जत मिले ये नहीं हो सकता पॉसिबल ही नहीं, ये है हमारी कास्ट बेस अफेयर। अब हमें कहें कि मैंने अपने फेयर कास्ट बेस पे नहीं बनाए हुए, ये कभी हो नहीं सकता, मेरी कास्ट 2191 पर पैसेंजर आ रही है, एवरेज सारी क्लासों की डाल के 3610 रुपए, मैंने तो कोई छोड़ा नहीं ना इसको, ये लेवल पे जाके इसको पूरा मैंने चेक किया कि मैं कहां कास्ट में नीचे, ना मैं फ्रेट में नीचे हूँ ना मैं इसमें नीचे हूँ, प्रॉब्लम क्या है कमर्शियल लगा दो सीजनल लगा दो, वो भी चीजें हम नहीं ना कर सकते, पूरी रमजान आ गया किसको कहे जाओ भाई आप जाओ नहीं कोई दिक्कत नहीं, ईद के 10 दिन वो आ जाएगा, जब 20 रमजान के बाद एक मिनट में लोग चलने शुरू हो जाए 21-22 रमजान को हमारा फोटा शुरू करता जगह नहीं मिलती, वो 20 दिन में किसी को ला नहीं सकता, ईद के 2-3 दिन देखे हम रहते 30% हमने कंसेशन दे दी, जब पहली दफा हमने 30% दी ना तो ईद वाले दिन मैंने कहा यार मुझे रेल कार में एसी की 5 सीटें, उसने कहा एक भी सीट, ईद वाले दिन नमाज के फौरन बाद तो फर्स्ट था हमारा कंसेशन देने का ईद डे, राजा साहब ने कराई थी कभी ये बहुत वो भी तो सीजनल है ना, क्या कोई आसमान से उतरी है, कहां सियालकोट से एक छोटा सा इलाका है वहां से निकलती है आगे जाती है, अच्छा उसके साथ वो 12:30 चलती है, तेजगम उसके साथ है, जाफर साथ है, कराची एक्सप्रेस साथ है, बिजनेस ट्रेन साथ है, इस हरी ट्रेन उसके साथ है, कराकर्म साथ है, वो जा रही है ना, बताएं आपकी बात इधर कैसे की? मैं सिर्फ कह रहा हूं कि नहीं वो तो आप जैसे जॉइंट क्लास आपको समझाई है ना, मेरी बात सुनो, हमने आपको जॉइंट क्लास समझाई है ना कि हम कुछ भी कर लें ट्रेन वाइज हम पैसे निकाल लेते हम, लेकिन वो आप तो वर्कशॉप में आप बैठे हैं वर्कशॉप में, मैं कहता हूँ जी आपने 100 कोच बनाई है एक महीने, बताए किस चीज कोच में क्या लगा, अभी पूछ के आसम बैठा है उधर जॉइंट
यानी आप मैकेनिकली आपको समझा दिया ना, आपने स्क्वायर रेवेन्यू को छोड़ दी, वो जायंट कास्ट है, जो लॉस में चल रहे हैं उनके भी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम ही है, सारी है रेवेन्यू कम है, कम कास्ट में कम है। जो सीनियर ट्रेनर है सिर्फ समझ लें फ्यूल स्टाफ है, ट्रेन स्टाफ और मेंटेनेंस बस, इससे ज्यादा ट्रेन को क्या वजन डाले के ये कहा जाए, उसके अपने जो खर्चा कर रही है ना सर्विस का वही काफी 1260 रोड का डिस्टेंस तो किसका रोड का सारा वो जिगजैग करती है रोड, रोड का ज्यादा ही हो ये ऊपर लिखे हुए लिखा हुआ था ना अप टू मार्च 1920 उसके बाद कोरोना रहा, मैं किस कास्ट को पकड़ू 2 साल से डबल कैसे हो गई किसका कास्ट का 30 लाख अच्छा कास्ट जो है सिंगल जर्नी का 4 लाख टोटल कितनी है उसकी सिंगल है पूरी ट्रेन की सिंगल कितनी है, ये तकरीबन 35-40% होगा फ्यूल, फ्यूल जो है ना 35-40% होता है। चले आप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को देखें कोई बात नहीं, वो मिनिमम है उसको हम क्या देखें, वो तो हमने एक फैसिलिटी दी हुई है ना, वो तो एक सर्विस बढ़ गया तो आपकी बात ठीक है ना, आप रेट ऊपर लिखा हुआ है देखे एटी किसका जो अभी चल रही है होती है। आप 10 साल का डाटा में मैं देता हूँ कि जो भी हमारा और उस पर आपने बताया कि ये प्रॉफिट भी चल रही है, कौन सी पैसेंजर ट्रेन जो प्रॉफिट भी चल रही है, प्रॉफिट में मैनेजर का फुल कास्ट पर मैंने कोई भी नहीं कहा था, आप आपको मैंने ना कराकर देख दी हुई है उसमें देखें फुल कास्ट कितनी है ऑपरेशन कास्ट कितनी है, वो आपको नजर आए 2500 में से वो 1700 है ऑपरेशन कास्ट पकाया है, फुल कास्ट फिक्स को कर ले फिक्स प्लस ऑपरेशन फिर जाके फुल कास्ट पड़ती, ये अपनी ऑपरेशन कास्ट से वो जो कराकरम है ना 800 something million अपनी ऑपरेशन कास्ट से ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि फुल कास्ट से वो 77% अभी पूरा कर रही है, 23% अभी उस नहीं पूरा कर रही है अपनी फुल कास्ट, तो आपको मैंने बताया ये फ्यूल 40-45-50 पे चला गया, अभी जो 180 हुआ है ना ये राउंड अबाउट 45-50 के दरमियान कास्ट का होगा ऑपरेशन का एक ट्रेन का, जब आप ट्रेन वाइज का अगर मैं कहूँ कि आप कास्ट दूसरी तरह निकालें वहां लिखा होगा 614 यहाँ एक पेज है ना मैंने बनाया है 25.6 किलोमीटर को डिवाइड किया हुआ है, फ्यूल देखेंगे तो पर ट्रेन किलोमीटर 614 आएगा सबसे हाईएस्ट, आप उसी परसेंटेज से देख लो
आपको लगा अब क्यों उसमें पावर बैंक भी चल रही उसमें पावर बैंक चल रहा है उसका इसका देखें डिस्टेंस उसका 1400 है रमान बाबा का 1400 कुछ समथिंग 200 किलोमीटर तो वैसे ही हो गया था इसी तरह ने शेख साहब मैं एमसीएमसी में गया था पीछे से ना नए नए आए उन्होंने कहा किराया बताओ भाई सिविल जी ने कहा भाई किराया बताओ क्या महीने डेढ़ बाद मैं आ गया उन्होंने हमारी अफसरों की मीटिंग बुला ली उधर वो वही काम शुरू हो गया जब बाकी तो सारे उस सिग्नल वालों का तरह छोड़ो छोड़ो मैं दूर जाके बैठा था कि चलो बारी बाद में आएगी वो तो छोड़ो छोड़ो करके दो मेरे ऊपर बैठ गए तू 10 साल से बैठा है सारे सिग्नल तो बोल भाई चार का किराया की है रमान बोल रहा है कैम खुशहाल का की है मैं कैम कहता दसो नियम साहब ठीक कह रहे खुशहाल जी किराया 1514 किलोमीटर का डिस्टेंस का फर्क है किराया इस वास्ते फर्क है कहता उधर का मनुख दस दे फिर उन्हें सीओ साहब ने कहा सीओ साहब पता की कह रहे हैं किराया पिशावर तो हर ट्रेन का एक नहीं हो सकता जिन्ना डिस्टेंस हो रहा ना फिर वो डिस्टेंस ना होगा ज्यादा तुम वाया हाफजाबाद जाओगे हो रहे वाया कुंडिया जाओगे तो फिर हो रहे वाया लाहौर जाओगे तो है ट्रेन पिशावर तो फिर उन्होंने समझ आई है कि किराया ज्यादा ये चीजा जी ना माइंड च आदि ना मैं तो इस तरह ही गल करता है उन्होंने फिर दसना पैना ये हमारी पार्सल को इधर कंसेशन आपने देख ली नहीं देखी हैं आपको ये नहीं पता होना मुझे रेलवे पास मिलेगा तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपने कहा देख ली है आप बताओ देखिए ये कंसेशन दे रहे प्रिविलेज पास है स्लीपर आपको जो मिलना है ना मिलता है अभी भी देते हैं कि नहीं अलाउड है ये लिखा हुआ है इफ एक्सेस फ्रॉम 4 फैमिली मेंबर 10% पैसे देने पड़ेंगे 3 नहीं है 4 बंदों के लिए रूल नहीं बनाता यही तो मैंने स्टेट बैंक वालों को पकड़ा था भाई जान हम नहीं मानते उसने कहा मैंने मैंने कहा मैं तेरे एग्रीमेंट को भी नहीं मानता बड़े हैरान हो गए देखो ना आपको मैंने इसीलिए कहा था आपने फेयर टेबल नहीं देखी आपको नॉलेज होना चाहिए आप 4 फैमिली मेंबर से ज्यादा किसी से फटा पड़ जाए तो नहीं बोल सकते लेकिन माशाल्लाह मेरे 4 बेटियां 4 बेटे हैं हम 10 जाते रहे हैं हमने कभी पैसे नहीं दिए और कभी बुकिंग नहीं कराई मैं कभी टिकट बुक नहीं कराता आज तक मैंने टिकट नहीं करी वो काम हो जाता जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली आपके नॉलेज में होना चाहिए किसी एसपी के साथ बड़ा पड़ जाए आप 4 फैमिली मेंबर से ज्यादा नहीं जा सकते हैं 10% दे अपने वालद वालदा को लेके जाना है भाई बहनों को लेके जाना तो फिर पैसे देने पड़े अलाउड है कौन कहता नहीं है तो डिपेंडेंट अलाउड है अभी नहीं होगा
शायद अभी ना दे रहा आपसे, भर के तो देखे देंगे आप। डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो अलाउड है, और वाई डिपेंडेंट अलाउड है बेशक, आपका डिपेंडेंट अलाउड है। एक चार फैमिली मेंबर जा सकते हैं, लेकिन चार से पांच होंगे तो वैसे कंसेशन 90%। इसमें कहता है कि अगर आप आपके साथ डिपेंडेंट है तब चार फैमिली मेंबर होंगे, आप पांचवे होंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली है डिपेंडेंट नहीं, आपकी फैमिली मतलब कि बच्चे और ठीक, लेकिन चार से ज्यादा फिर भी नहीं, उसमें है उसमें पास का रूल आप बता रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप पास रूल पढ़ रहे हैं, मैं आपको कमर्शियल रूल पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग टैरिफ पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक। पर्सनल पढ़ रहे हैं तो पर्सनल मैनुअल वो अलग है, वो अलग है, आपने देखा है कोचिंग टैरिफ पर्सनल मैनुअल देखी है, ऑपरेटिंग मैनुअल देखा है, तो फिर देखो ना क्यों मैनुअल अलग पढ़ाए गए। सीएमई ने एग्रीमेंट किया है, मैं नहीं मानना, तो मैं रेट भी डबल कर गया ठीक। क्या जो फेयर किराया आप इस टाइम पे है एक्सेल शीट पे बुलाया ठीक, तो क्या उसी का फेयर रेलवे की किराया पर नियम भी फेयर करो, फिर जो मैनुअल बने हुए हैं तो एक दूसरा सर्विस भाई वो इंक्रीज लगाई हुआ हमने, कारण उस मैनुअल को नोटिफाई किया हुआ इंक्रीज करने के लिए, उसने हमें एक क्लॉज लिखी है उसमें, आप किराए बढ़ा सकते हैं मगर कॉम्पिटेंट सीईओ है वेयर करने का, बट कंसल्टेशन विद रेलवे बोर्ड, यानी वो अकेला नहीं बढ़ा सकता, कॉम्पिटेंट है, उसकी कॉम्पिटेंस में लिखा हुआ तुम किराए बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन कंसल्ट विद द कंसेंट ऑफ रेलवे बोर्ड। पर्सनल मैनुअल आपको ठीक पड़ा है, वो ये है कि जब डिपेंडेंट होगा तो आप चार से ज्यादा नहीं हो सकते, पांच से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो आप बच्चों का जितना मर्जी ले लो, मैं सबका देता हूं। वो डिपेंडेंट के लिए कह रहा है, वो ट्रैवल के लिए नहीं कह रहा, ये ट्रैवल के लिए, वो पास इश्यू करने के लिए आपको रूट दे रहा है, ये ट्रैवल करने का रूल है, कंट्रा टैक्ट नहीं है। आप बोले आप मैकेनिकल मैनुअल को मैं मान दूं, नहीं नहीं नहीं, देखिए टिकटिंग का पर्सनल के साथ नहीं, टिकटिंग एक अपना सब आप बताएं, फिर सीसीएम क्यों बनाया, सीएम ने क्यों बनाया, सीपीओ क्यों बनाया, सीपीओ को दे दो सारा कुछ यार, मेरा भी डिफेंस समझ आ गई, डिफेंस समझ आ गई, आ गई कुछ नहीं है। आप किसी भी मैनुअल सारे है, मैकेनिकल मैनुअल है, सिविल के है, अलग है सर भाई, उनका अपना है इंप्लीमेंटेशन। वो ये बताते हैं कि आप एक साल में 6 पासेस ले सकते हैं, उसकी वर्क कितनी है वो नहीं बताया हुआ कि आपने 10% उसमें फीस देनी होगी, ये नहीं, वो उसका काम नहीं है, उसका काम नहीं है, क्योंकि वो किराए का काम लिख ही नहीं सकता बेचारा, हमें जब कहीं जरूरत पड़े तो हम फिर उधर चले जाते हैं, सारा ले लेते। ये आपको बताने का ये था कि आपको कंसेशन का भी पता हो, कंसेशन क्या चीज है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, देखो मुझे 10% पढ़ रहा देना, मैंने नहीं है 10% बिल्कुल होगा, जितने मेंबर है 10% उनका पेयर मिलेगा, पास मेरा फुल फ्री खत्म हो गया, अगर 4 से कम है तो नहीं, नहीं मैं तो रिटायर बंदा, तो वो लिखा हुआ है कि उसको तो लगना ही लगना है पोस्ट रिटायरमेंट पास 90% उधर, इफ एक्सेस फ्रॉम 4 फैमिली मेंबर, रिटायरमेंट वाला है वो 10% देगा, 3 पास उसमें लिख पढ़ा आपने, 3 पास है
तो मेरी पेंशन भी 75 साल के बाद बढ़ जाती है, वो रूल है ना। ये आगे कंसेशन देखे, टूरिस्ट फॉरनर फॉरेन हो आए तो टूरिस्ट को क्या 25% हम देते हैं, डिसेबल पर्सन है 50% उसको देते हैं, सीएनआईसी उसको डिसेबल होना चाहिए। पीटीओ भी है, ये लिखा है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर 67% आप फ्री है, 33% देना पड़ेगा। पॉलिसी तो पड़ी है पहले, ये जितनी है ना डिसेबल मिलिट्री की, ये स्टूडेंट की, स्पोर्ट्समैन की, ये जर्नलिस्ट की, ये पाकिस्तान की वाहिद है जो जिनके ऊपर कोई रूल नहीं लगता, हर रूल है। ये भी अभी बड़ी है, है? पढ़ो जरा, पढ़ो मिलिट्री वाला नहीं, आप जरा क्लियर हो जाओ, सही तरह पढ़ो। पढ़ो पूरा 100 ले रहा हूं, पढ़ो देखो देखो, लिखा हुआ है कि मिलिट्री वॉचर 50% बाय ऑफिसर ऑफिशियल एंड 50% ओन्ड बाय डिफेंस, 50% मैं ले लेता हूँ जो जवान और ऑफिसर मेरे स्टेशन पे आता है वो वॉचर देता है, वॉचर पकड़ता हूँ मैं सीएमए को भेज देता हूँ भाई ये मुझे पैसे दे दो महीने के बाद, जितने वॉचर कटे हुए हैं यार मैं 100% नहीं करता, कंसेशन नहीं है। ये डिफेंस ने हमसे कंसेशन दिया कि मेरे ऑफिसर को जवान को कंसेशन दो, मैं पैसे दूंगा इसके, इससे पूरे पैसे ना दो। उसने कहा मेरे ऑफिसर से पैसे ना दो, आधे मेरे से ले। चले वो सी एम ओ जाने वो जाने उसका बजट आता है, हमारे साथ कोई तलब आर्मी के साथ, आर्मी का मेडिकल का हमारे इस हमारे एक पीटीआर होती है पब्लिक पैर, उसको पब्लिक पहले से मिलिट्री पैर, उसको हमने खत्म कर दिया, फिर उसको बना दिया पब्लिक पैर रेट, अब जो पब्लिक का रेट लगेगा वो मिलिट्री को लगेगा। हमने ये सुना था कि इंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है उनके बीच में जो भी वो होता है वो मोस्टली क्रेडिट डेबिट का सिस्टम चल रहा होता है, नहीं मतलब फिजिकली वो पैसे रियली हो सकता, आपके मैकेनिकल में ये जो पोस्टल वैन चल रही है पोस्ट ऑफिस वालों की, आपने उनसे ट्रेटर्स के पैसे कुछ आपने कंडम कर दी, उससे पैसे आप देते रहे, गाड़ी खत्म है आप पैसे देते रहे, फिर डेबिट कार्ड उसने कहा जी मेरे पैसे ले गए मीटिंग में, उन्होंने कहा हाँ यार आपके पैसे, अब वो डेबिट कार्ड को आप कहते हैं जो आपने हमने लेने हैं आप हमारे आपकी तरफ एडजस्ट कर, वो कभी कोई ऐसा वाक्य हो जाए ना जो रॉन्ग हो जाए उसको एडजस्ट कर, बाकी आर्मी पूरे पैसे दे रही है कभी पैसा नहीं छोड़ते। जी इसकी हाँ देखो जर्नलिस्ट 80% और आप पीटीओ लेंगे ना लाहौर पिंडी आपको कोई फायदा नहीं होगा, पीटीओ पास लाहौर फैसलाबाद जाए जितना किराया उतने ही आपको पीटीओ को मिलेगा, जर्नलिस्ट जाएगा तो उसको बिल्कुल 80% उसको कंसाइकिंग होगी लाहौर फैसलाबाद, ये नहीं होगा रूल है ना ये आप, मैंने कहा उनको आर रूल रिलैक्स दे दिया है, मैंने कहा था ना जर्नलिस्ट आर रूल रिलैक्स असल तो हम लगा ही नहीं सकते
हमारी रेटिंग कहाँ से आएगी? गलत ही लगाएंगे तो रेटिंग आएगी सर। कभी आएंगे आप फिर निकाल देना, वो 50% है। किसी को जैसे क्या लिमिट दे कि वो ट्रैवल ना करें? जर्नलिस्ट जो है ना वो क्या मर्जी ट्रैवल कर सकते। मिलिट्री का तो देखो, मिलिट्री का हम 100% ले रहे हैं, वो हमारे हिसाब से जर्नलिस्ट का उस कार्ड को वेरीफाई करते हैं, फिर हम अपना कार्ड इशू करते हैं एक साल के। वो एक साल चलता रहता है, कंप्यूटर में उसका नंबर डाल दिया जाता है। एक साल के बाद वो एक दिन भी गुजर गया तो वो बुकिंग नहीं करा सकता, रिन्यू करना पड़ेगा। उसको रिन्यू होगा तो टिकट मिलेगी, वरना टिकट नहीं मिलेगी। फिर आपको भी डालते हैं, वो कह रहे हैं ना, आपने देखा सोशल मीडिया पे देखा है, अफसरों के तेल बंद करो, गैंगमैन तो रोज खुद बाइक पे तेल डलवा के जाता है और 1750 ले रहा है, वो 2 लाख ले रहा है तो उसको 800 बताए राजू में सही क्या है यार। फिर देखो हम फैसिलिटी ले रहे हैं, वो मैं तो मेरी तो विजन है कि 50,000 से कम गैंगमैन की तनख्वाही नहीं होनी, नहीं होनी। मजदूर की तनख्वाह बड़ी करोगे तो हम अब वो बातें कर रहे हैं, सही बात है। इस वक्त उनकी बात बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान को बचाना है, इनका ये बंद करो। हम भी तो तेल डाल रहे हैं, कह रहा है कि गैंगमैन लाइन के साथ साथ बाइक पे जा रहा है ना अपनी नौकरी पे, उसको कोई तेल दे रहा है। कास्ट कहाँ जाएगी? कास्ट जाएगी ना कहीं, वही उनको पैसे दे दो जो ट्रेन चला रही है बिलियन रुपीज, उसको पैसे दे दो, तो बात सही नहीं। ये सीनियर सिटीजन है, अबव 75 ईयर, ये डिसीजन हो गया कि भाई इनको पास दे दो फ्री। हमने कहा जी फ्री मर गए हमको, हालांकि मुझे भी फायदा, मैंने कहा हम मर गए, उनका क्या करना है? मैंने कहा अकेडमिक क्लास में फ्री कर दो साहब, ओनली अकेडमिक क्लास। अब बुजुर्ग जा सकता है अकेडमिक, कोई है जो जाएगा? ये होते हैं अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना के, वो उनकी भी बात मानी जाए हमारी भी। अब देखो सिर्फ लिखा हुआ है फ्री ऑफ कास्ट इन ऑल ट्रेन ऑन इकोनॉमिक क्लास ओनली, जिसने करना है ट्रैवल वो 50% भी नहीं बल्कि 30% होगी, कोई मजबूरन जाए। ये 65 ईयर तक जो सिटीजन है, फिर इसको यहाँ 75 वाले को आगे जो 65 वाले को दे रहे हैं वो आपको अब दे सकते हैं एसी। ये यहाँ हमने कह दिया 25% एसी। अच्छा एसी भी कौन सी है? आवाम की डबल रेल की डोमिनेटेड ट्रेनें, नॉन स्टॉप ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं, नॉन स्टॉप ट्रेनों में नहीं देते, वो भी एक पाबंदी है। तो ये थी कंसेशन सारी।
ये लिखा हुआ 75 वाला, इसमें भी क्लियर लिखा है कि फोर सिंगल जर्नी, अगर उसको अकेडमी में भी देनी है ना, वो भी सिर्फ फोर सिंगल जर्नी, यानी पूरे साल में दो दफा आने जाने का ट्रैवल कर सकता है अकेडमी क्लास में। उसको बॉन्ड किया, जहां कह रहे थे बॉन्ड नहीं है, ये देखो उसको बॉन्ड कर, जो अपने आई डी कार्ड पे दो दफा एक टिकट ले सकते। ये ऑनलाइन दे दिया, ये मैंने बनाया हुआ, ये पहले कोई लेटर किसी को मिल गई नहीं, किसी ने बता दिया तो हो गया, तो बड़े ऑडिट पहले बढ़ते थे स्टेशनों पर, बड़े ऑडिट पहले, जिस दिन से ये फेयरटेबल आई है ना मेरी, ऑडिट पहले का तो मैं ऑडिट वाले मेरे पास आते, मैंने कहा यार आपकी चाय बंद हो गई हमारी भी, जाओ जाके ऑडिट करो, कहते यार तुमने क्या अजाब डाल दिया, मैंने कहा ये अगर मेरा पोता भी चाहे दो मिनट में फेयर बता सकता है कि कराची का डिस्टेंस कितना है और उसका किराया कितना, अब तू कहां से ऑडिट करे, जो इस पे लिखा है इसके अलावा तू बोल नहीं सकता, अजम्पशन खत्म हो गई। ये चीजें हैं ये जो फेयर टेबल मैंने बनाई, इस पे फिर मैंने रूल भी डाल दी, चलेंगे उसने कहा मैं इतना पैसा दूंगा, मैं कहा जाओ घर बैठो, एक मैंने पास का ट्रैक पकड़ा था एडमिशन से, वो हफ्ते में एक दो दफा छह टिकट बुक कराता था एसी बिजनेस की, तकरीबन 30,000 का टिकट निकालता था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया हमारे सिस्टम हमारे मुलाजम का क्या कच्चा, वो सॉफ्टवेयर में टिकट बुक हो जाती थी लेकिन पैसा जीरो होता, जब वो रिफंड ले रहा था तो पैरे पैसे पूरे मिले, जब वो रिफंड लेता था तो पैसे पूरे, जो रेल का खाता है जीरो, जहां से जो मर्जी पास नंबर डाल, उसके बाद ये पास नंबर डाले कि जो पास हम इशू करेंगे उसका नंबर कंप्यूटर में होगा, वो बंदा फिर अपने नौकरी से निकाला, अभी भी वो अब सजा हो जाएगी उसको, पैसे तो उसके मैंने पकड़ लिए थे पौने चार लाख, बिल्कुल है बिल्कुल है, आई टी है सब कुछ है, हम क्वेश्चन करते हैं उससे तो भेज दे, मैं तो करता रहा, चलो मेरे पास है वो डाटा, अगर ये डाटे सारे मेरे पास है तो वो भी है, ठीक है जी। ये पार्सल देखते थे, ये इतनी बुक होती थी कोई इनके ये कराया फलां का ये कराया, जब वो मैंने टेबल बनाई तो 5 साल बाद फिर मैंने ये बनाया, फिर ये एक पेज पे मिले हैं, इसमें सिर्फ उस वक्त बाबू हमारा खुद साफ करता, इसमें सारा साफ खत्म कर, फेर ही लग दिया, ऐसे में रेट लग दिया, और बाबू किस को कहते तो स्टेशन मास्टर करते हैं, नहीं नहीं बाबू पर रख लग, पर ये क्यों नाम डाला है, ऐसे अब बाबू तो लोगों ने डाला, हमने नहीं डाला, लोग कहते हैं आपके बाबू ने पैसे, लोग कहते हैं आपके बाबू ने 10 रुपया हमसे ज्यादा ले ली, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं क्या आपके बाबू ने हम आपसे 10 रुपए ज्यादा ले, तो ये उनसे जब ये ट्रांसपेरेंसी आ जाए ना,
कि कोई अभाम ना हो। जो पहली बुक थी उसमें हर चीज अलग थी, अब ये सिर्फ एक पेज पे आ टोटल हमारा पार्सल है। इसमें जो पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चल रही है इसका रेट सबसे पहला है, दूसरा जो वामी चल रही है उसका रेट है, तीसरा जो ग्रीनलैंड चल रही है उसका रेट, ये तीन रेट है। ये 50 केजी का रेट है एंड, ये देखिए 50 केजी एक यूनिट गिनते हैं, वो तन था ना 1000 केजी का, इधर 50 केजी का एक यूनिट गिनते हैं। हमारा लगेजमान होता है 10 टन का, हम 200 से कभी भी कोई रेट निकाल लो ना, ये 50 केजी का रेट है ना 105, आप इसको 200 से कर दे मल्टीप्लाई, आप करें पूरी 10,000 टन का। आपने गाड़ी के एंड पे ब्रेक में देखी इधर नहीं भेज रहे, हमने आउटसोर्स की हुई है। इसमें आप समझिए पार्सल है, ओनली पार्सल, इसका नाम ही पार्सल है। डिफाइंड वो किस लिए बैठाया हुआ है, जो रोज करोड़ों रुपए हमारे इकट्ठे करता है वो डिफाइन इन रूल को डिफाइन करता है। अगर कोई चीज पकड़ी वहाँ पुलिस भी होती है, एजेंसियां भी होती है, स्टेशन पे ऐसे नहीं होता। बाइक भेज रही हो तो आपने कई दफा देखा है कि बाइक भेज रही है तो आपको पेपर कागज देने पड़ेंगे थाने से रिपोर्ट। सर ये मैं एक बार इधर ऐसे ही इंस्पेक्शन के लिए गया था, आगे हमारी ब्रांच है उस पे हैदराबाद से आगे, तो एक तो स्पीड 40 की थी और दूसरा लगे में बर्फ वाली को, हालांकि फासला बहुत कम है, रेन कार रखनी चाहिए और थोड़ा सेक्शन को सही करें तो अच्छी खासी ट्रिप पे मिल सकती है। हालांकि इतनी मेहनत जरूरत नहीं, पी डब्ल्यू ए काम कर सकते काम करें तो भी हो सकता है। तो ये रेन कौन बनाता है इस तरह, जहाँ जरूरत जिसकी नहीं है वहाँ पे भी इस तरह मैकेनिकल में आपका ट्रैक क्यों 40 किलोमीटर पे चल रहा है? वो वहां के पीडब्ल्यू है जो नहीं, पीडब्ल्यू ही गाड़ी से न चलाता। देखो लाइन का मालक कौन है फिर आपको क्यों हम ले आए? यही असल में ना मिस मैनेजमेंट है नीचे से, ये मिस मैनेजमेंट मेंटेनेंस मिस मैनेजमेंट है। मेंटेनेंस क्या है, पैसे तो मिल रहे हैं, हमने मेन लाइन पे लगा रहे हैं, ब्रांच लाइन पे नहीं लगा रहे क्योंकि वहां एक ट्रेन है, क्यों पैसे लगाए? जहां रेवेन्यू हम अगर 60 बिलियन कर रहे हैं तो 55 बिलियन जहां से आ रहा है पैसा तो उधर ज्यादा लगेगा ना, उसको अलाइव रखने के लिए छोटा मोटा काम होता है, इसलिए स्पीड कम है तो वहां मेंटेनेंस नहीं। क्या रेक को कैसे ठीक करें? आपने पढ़ा है रेल में कोई पार्लर कर है एकेडमी की कोई? ये आपको रेल कार वाली आपने देखी है? क्यों बसों वाली दी? जो एसी पार्लर है वो तो मीरपुर खास कोकर पार्क की बात कर रहे हैं भाई। मुझे कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है कोई डाटा, वो सेक्शन है वहां तो दो ट्रेनें जाती है, पहले तो एक भी नहीं चलती थी, दो भी वो जाती है कि इंडिया वाली बिल्कुल बंद है, एक कुकरो पार हमने ट्रेन चलाई है बस वही चलती है, एक वो आती है मीरपुर खास,
ये कुकर पार जो कोटली से चलती है कुकर पार में, वो आप तो मीरपुर खास एक नहीं दो ट्रेन है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि वो कोच होगी तो हमारी रेल कार में आपने ऐसी स्टैंडर्ड देखी है रेल कार में इस तरह की सीटें जो आप कह रहे हैं वो वही है पार्लर पर हमने खुद बनाई वो पार्लर है उसकी कैपेसिटी 70 है। जिस कोच की आप बात कर रहे हैं वहां गिनले सीटिंग कैपेसिटी 98 है और रावलपिंडी इकॉनमी क्लास 98 सीटें बुक होती है कैपेसिटी लो ही है बड़ी 78 करें या 98 करें 20 पैसेंजर एक कोच के कैसे कैसे बर्थ वाले कैसे 98 आएंगे आप बर्थ जब बुक कराते हैं तीन बर्थें बुक होती हैं एक कैबिन 6 का होता है जी जब आप उसको सिटिंग करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे बर्थ में भी सिटिंग होती है बर्थ खत्म नॉर्थ पिंडी बर्थ किसको चाहिए रात भर वेट करो यानी चार बंदे और चार बंदे इस तरह 8 बंदे 8 बंदे बता रेल कारों में बेशक चेक कर हम 8 बंदे बैठा रहे हैं और 98 पैसेंजर एक कोच में बैठा रहे हैं अगेंस्ट दी 78 मुझे बस की जरूरत क्या ये देखा तो नहीं था इस तरह का सीट ही ना बुक कराई मेरी तरह शहनशाह पे रहा क्या भी मर्जी हमने तो ट्रैवल किया ना मैं तो हर क्लास में ट्रैवल कर और मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मैं ये नहीं है मैं सब ये चीज़ें जब बनाता हूँ तो डिस्कस करता हूँ कहीं गले लग जाते हैं कई बार उसका मैं तो बताते ही ना मैं रियल में रेल कार आई तेज गांव की बोगी डैमेज हो गई है आप क्या करें क्यों जी मैकेनिकल वालों अगर तेज गांव की बोगी डैमेज हो गई इकॉनमी क्लास की आपकी डिवीजन में कोई कोच नहीं है आप निकाल के रेल कार की कूलिंग करनी है तो फिर अगर उधर सीटों वाली हुई तो आप नहीं ना दे सकते तेल का एक तो हमने पैसे कम कमाए दूसरा तो आपका जो इश्यू है मिनिमम कोचेज वाला शार्टेज वाला जो हल हो जाता है अगर खुदा नखास्ता कोई कमी पेशी होगी ट्रेनें लेट होगी फिर हम स्क्रैच देख पाते इन से पकड़ के फायदे बड़े सर एक चीज मैंने नोट किया है कि जो ये भारत ट्रेन चलती है नॉन स्टॉप रात के भारत सर जब इसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एसी बिजनेस का किताब करते हैं लेकिन वहाँ पे बिजनेस के वो नहीं लगे हुए कोचेज नहीं लगे हुए वो पार्लर में फिर आप एडजस्ट कर देते हैं उसके ऊपर मैनुअली नंबरिंग की हुई है और सब कुछ इस तरह की कभी कभी ये बात कभी कभी ऐसा मैं कह रहा हूँ ना तेज गांव डैमेज होगी और रेल कार से निकाल के दे दी एसी बिजनेस तेज गांव की डैमेज होगी पिंडी के पास कोच नहीं उसने रेल कार की निकाली वहां और कोच लगा के पार्लर की या स्टैंडर्ड की लगा के दे देखो वो उसी वक्त चेंज हो जाएगी लाहौर का या एक दिन बाद हो जाएगी तेज गांव तो चौथे दिन आएगी ना तो वो उसको अपना रेवेन्यू हमारा बच गया और शॉर्ट लीड को हम एडजस्ट कर वो बिजनेस चलती रही आप नहीं है आपने जब देखा है ना मैं भी ट्रैवल करता रहा तो नहीं थी आप हैं सारी कभी कभी जब शॉर्टेज ज्यादा हो जाती है ना स्पेयर नहीं होती तो फिर रेल कार को कट लगेगा ग्रीनलैंड को तो नहीं ना शॉर्ट भेज सकते रेल कार वाला पैसेंजर तो एडजस्ट हो जाता है तो सिटिंग में टारगेट है सफर कराची वाला भी मानता फिर वो इसी तरह एडजस्टमेंट होता है जानबूझ के नहीं करता नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस की वजह से ये काम अच्छा ये कास्ट आपने देख ली थी ये इसका पूरी रेल का ये रिजल्ट है ये जो छोटी ट्रेनें हैं इंटरसिटी शॉर्ट लीड छोटे छोटे सेक्शनों पे
उनके कॉस्ट है 144 रुपीस और फेयर है 372। जो हमारी लॉन्गली ट्रेनें हैं उनकी कॉस्ट 901 है और फेयर है 1945, डबल है। हमारे फेयर स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम तो फिर नहीं ना नजर आ रही। हम कोई भी काम करते हैं ना, फिर कहां से बनते हैं? ये मैंने बनाई है वैसे नहीं कहीं भी। इसके आप जाए ना तो मेरे साथ एक्सेल में सीटें 8 पड़ी हूँ, उसको सम अप करके फिर मैं यहाँ आया। ये इसको मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके मैंने इसको सम अप करके देखा कि मेरा ये एक दफा फिर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ 100 बिलियन खर्चा 200 बिलियन कमाना चाहिए। आप उसकी अगर ट्रांसपोर्ट कंपेयर करें ना, अगर आपसे नहीं ना हो रहा, अभी भी तो पूरी ना हो रही पैसेंजर ट्रेन में 40 बिलियन हम लास्ट में है। नहीं किराया ठीक है, बस का अगर खर्चा 1000 रुपये तो 4000 एक पैसेंजर को किराया देते हैं। हमारा खर्चा 901 रुपये तो 1945 देते हैं। एक्चुअली बस जो है उसका खर्चा ही हमसे बहुत कम, हमसे ज्यादा चाहिए। नहीं उनका क्यों ज्यादा होता, मेरा तो एक लोकोमोटिव जो खाता है वो बस साल में खाती हूँ। लोकोमोटिव की मेंटेनेंस उसकी जो फ्यूल का है उसका ए शेड्यूल बी शेड्यूल जाके देखे ना, जब वो डालोगे ना बहुत पैसा बन जाता है। और वो इतनी बसें खरीद ले जितनी मर्जी एक लोकोमोटिव में खरीद लो, उनकी मेंटेनेंस उस लोकोमोटिव की जितनी नहीं हो। जितनी एक लोकोमोटिव आता है जितने का उतनी बसें खरीद लो, मेंटेनेंस उनकी 50% से भी लेस होगी, 25% होगी, लोकोमोटिव 100% होगी। वो हमारे साथ नहीं। अब 100 बसें चलेंगी यानी 10 बसें चली तो 10 बोगियों की सवारी उड़ाई होगी एवरेज 70-80। तो 10 बसें चली ना, मेरी एक ट्रेन चली, मेरी ट्रेन 19 कोचे लेके आ रही है, इसका मतलब है मैं तकरीबन 2000 पैसेंजर लेके आ 1500-2000 के रहूंगा। तो अब जब मैं कोई किसी परेड में आता हूँ तो एक ट्रक कितना लाए 60, मैं 2400 टन लाता हूँ। सर वो ऑनलाइन वो आवाज नहीं चला। हाँ देख ले आप ना, एक सर्वे कर ले, आपको मेंटेनेंस ऑफ बसेस 25% होगी हमारी 100% के रेंज। ये रखा ही दिया, ये कंप्लेंट यही है कि आज वो शहर यार बोल के ठीक है ना। ये ऐसे ना देखो, मैं शौक से ये सारे काम करता रहूं, आप भी करें। बसेस का देखें मेंटेनेंस कैसे क्या होती है, हमने गाड़ी रखी ली है कितनी लंबी मेंटेनेंस करते, कुछ भी नहीं है, कहीं मारेंगे तो मेंटेनेंस आए। बस भी कोई रोड एक्सीडेंट होगा तो कोई इतने होगी, वरना उसके कोई पैसे नहीं है, आए चेंज किया बस। टैक्स के अलावा जगह टैक्स भी वो भी देते हैं। हाँ किस लिए करते हैं? उसने 25 रुपये खर्चने हैं, आराम से बस चला रहा है, हमने 100 रुपया खर्चना है एक लोकोमोटिव के। हमारा उनका जी
कुमार है परेड में सिंगर में सिंगर में परेड में कमा परेड तो देखो 11.5 मिलियन है इससे बड़ी कमाई क्या होगी जो डेली 28 लाख रुपया ला रही है क्या भैया आप परेड में तो सारी कॉस्ट लगाते हैं पैसेंजर दूसरे को ऑपरेशन लगाते हैं इसमें भी सारी कॉस्ट लगाए ना लगा के क्या करें पता चल जाएगा ना पता मैं बता रहा हूँ मुझे तो पता तो है वो एक शीट है वो बता रही है कि फिक्स कास्ट कितनी है दूसरी कितनी सर किराया पड़ा के वो बैलेंस करे सारी कॉस्ट लगा के तो किराया पड़ा के बैलेंस कर दे सर अगर इस तरह रेल चले तो दो मिनट में काम हो मैंने आपको बताया था कि कंटेनर का हमने रेट बढ़ाया 40% एक महीने के बाद दो दफा 10 दिन में हमें 10% कम कर रहा उसी के गेट हमने 100 भी रखा हुआ अच्छा सेक्शन भी एक है ट्रेन बुक ये भी वही है आप देख ले जो पसेंजर ट्रेन चलती है हवेली है वो हजारा पहुंचती है तो पसेंजर चल के यहाँ तक मेट्रो के लिए लाते हैं उसका कराया 30 रुपये जो हजारा उसका 100 वो की है वही है सेम लोकोमोटिव सेम सब कुछ सर इसमें हम कितना कर सकते हैं कि हम ये मिनिस्ट्री को पेश कर सकते हैं कि हमारी पैसेंजर ट्रेन सारे लॉस में जा रही है तो हम इसमें सारा कुछ ब्रेक नहीं था ब्रेक अवेलेबल नहीं हमारे पास ट्रेन बहुत हो जाएगी अगर ये हो तो हम बिल्कुल बंद करने की क्या जरूरत है हमारे पास सोर्सेज हैं आउटसोर्स कर दें लेकिन ये है कि आउटसोर्स भी बड़ी दफा टेंडर दिया फ्रेट आउटसोर्स नहीं होता नहीं नहीं फ्रेट जो है पैसेंजर ट्रेन कोई 10-15 में भी आउटसोर्स आउटसोर्स हो रही है तो उनको करके बाकी जो सारा हम अपना फ्रेट पे कंसंट्रेशन कर लें एक्चुअली आप लोगों को उनके देखो इस्तेमाल को खराब भी कर सकते जो लोग मसलन शोरकोट का सेक्शन है शोरकोट सेक्शन को बंद कर दें वहां तो बिल्कुल लास्ट में चल रही है तो सारे अल्लाह की सपोर्ट ट्रेन है उसको बंद कर दें अगर बंद कर दें कमर्शियली तो ऐसा ही होना चाहिए मेरी बात कमर्शियली यही है ना मेरा पूरा ट्रैक है स्टेशन है स्टाफ है वो भी खत्म कर दें किसको पैसे लगाए लाए एजेंसी कितने पैसे लगाना चाहते हैं हम किधर से लगवा की जो दिखाई है मैंने आपको नहीं चला सकते 10 लोकोमोटिव ला के वो कहाँ ऊपर जाके उन्होंने हमसे करवाया हम 10 ही नहीं ले रहे हमने उस वक्त कहा था ले आओ जब हमारे पास लोकोमोटिव नहीं थे चल नहीं रहे थे जब हमारे पास आ गए तो फिर ये भी आ गए हमने कहा हमारे आ गए आपने नहीं लेने उन्होंने कहा आप कैसे नहीं लेने लोकोमोटिव हम पाकिस्तान में चला ही नहीं सकते आपके नाम ये चीजें होती हैं लेकिन इतना बड़ा क्लाइंट कहां से लाए नहीं तो वही बात होगी ना एक ट्रेन दे दो दो दे दो चार दे दो पांच दे दो 60 बिलियन आप पा रहे हो मैंने कहा नहीं एक बंदा ट्रेन चला रहा है 3-4 ट्रेनें के ओनली वन मैन कोई चीज नहीं हिल रही उसके बगैर करोड़ों कमाए उसने मिलियन कमाए जो 5 रुपए हम नहीं कमाते थे मिलियन कमाए हमारा उसका डिफरेंस है अपने ऊपर ना हमारे ऊपर ना डालें या अपने ऊपर ना डालें प्राइवेट सेक्टर एक मिनिमम चीज ले सकता इतना बड़ा नहीं अब मैं कह रहा हूँ जी मुझे फ्रेट का रोड पे जो इतने जा रहे हैं आयल के टैंकर बंद करें रेल को दें तो ठीक हो जाएंगे अगर आयल टैंकर नहीं चलेंगे लोड कम पड़ेगा ना रोड कम टूटेगी ना तो मेरे ट्रैक पे आ जाएगी मुझे पैसा भी आ जाएगा रोड भी बच जाएगी कौन सोचेगा ये रोड की मेंटेनेंस आपको पता है कि ये टूट जाती है 1-2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा बनती है रेल तो नहीं बनती
आए ना मेरे, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ये प्रपोजल दे रही है कि आप जैसे डिस्पोज है ना इस तरह की कंपनी बना लें सेक्शन उनके हवाले कर दें। हमारी सिविल की कंपनी भी है, हमारी फ्रेट की कंपनी भी है, हमारी पैसेंजर की कंपनी भी है, कंपनी तो हमने बनाई है, इंडिया चला रहा है। अब कोई ऐसा आप जैसा कोई अच्छा आए उसको चलाए कि प्रैक्स में आए उसे कह लो जी मैं सारा फूड का मैं खुद करता हूँ, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कमाई भी ज्यादा होगी और ब्लैक में लेकर खत्म लोगों को तो सोच मिलेगी। अच्छा कमाना है उसने, ये नहीं है कि कुछ नहीं है, ये जो चला रहे हैं ये चोर टैक ये कुछ नहीं, एक बड़ी रखी करते हैं खाने वाली चीजें। अगर हम कोई आप रेलवे से एक कंपनी बनते जैसे इंडिया बनी है तो बहुत अच्छा चलता। ये आपने वायबिलिटी तो देख ली, ये है जी कराक्रम। देखते जी 80 था कराक्रम में 80 है रेट फ्यूल का, ये तकरीबन काफी डिफरेंस है इस वक्त। लेकिन जब आप जाएंगे ना ओवरऑल थोड़ा सा नजर आएगा कास्ट के साथ, फ्यूल के साथ हमें 50% नजर आ रहा है, जब कास्ट में मर्ज होगा ना वो 35 से 42 चला गया होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ये सिर्फ फिक्र ये ड्राइव कर रहे हो, एक खीट नहीं दिखाई है आपको कास्ट वाली है, ऊपर वाले सारे फिक्र वही है। ये देखिए हमने पेंशन भी डाली हुई है, ट्रैक बिल्डिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हर चीज इसमें है। वही तो उस पेज पे जहां कास्ट मैंने डिवाइड करके पर ट्रेन किलोमीटर नहीं लाया, ये वही है फिगर वही है। उसके बाद तो मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता, अपना फिगर नहीं लगाऊंगा, वो वहां से फिगर लेके इसमें डाले गए, फिर ये नीचे वो जितना डिस्टेंस ट्रेन का है उस हिसाब से निकले। अगर 1500 किलोमीटर है तो 1500 की कास्ट निकलेगी, अगर 100 किलोमीटर है 100 की निकलेगी, फिगर यही रहेगा। सिग्नल की पर ट्रेन पर किलोमीटर, यानी एक पूरी ट्रेन की एक किलोमीटर, ये जितने भी फिगर है ऊपर वाले पर ट्रेन पर किलोमीटर। ये पैसेंजर में भी हम ऐसे फेर जब करना होता है ना तो हमें देखना पड़ता है किसका क्या है। ये देखिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें बताते हैं कि रेट क्या है, रोड का क्या है, डेवो का क्या है, एयरलाइन का क्या है, हमें देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऐसे हम कर देते हैं कि 10% बढ़ा दो, नहीं, फिर भी हम इसको उसके साथ मैच करते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। ये देखिए हम ये हमने ना ओवरऑल ट्रेनों के नहीं बढ़ाए, ये जो इंक्रीज किया है ना ये तकरीबन 50% भी ट्रेन नहीं है। हमने जब देखा ना कि हमें कितने पैसे चाहिए, हमने कहा बड़ी ट्रेनों को इंक्रीज कर दो, छोटी को रेंज को छोड़ो, ही हमने छेड़ा ही। ये फिर ट्रेन वाइज आ गए, क्लास वाइज आ गए, वरना तो ये आ जाता ना 10% बढ़ा दो वो था ओवरऑल। जब आप किसी फोकस आके करेंगे कि 10% आपने बढ़ाए, 12% बढ़ाए, देखिए कैसे चल रहा। जो ट्रेन हमें अच्छा रेवेन्यू दे रही है, जिसका पैसेंजर ज्यादा था, हमने पकड़ के उसका इंक्रीज कर दिया, ताकि हमें जहां 150 रुपया मिलना था
वहाँ 125 एन में कमा ली है और आधी ट्रेन में नहीं है, 50% भी नहीं है। वो भी इधर मैंने कहीं लिखी हुई है, ये देखें 132 टोटल सिस्टम में है, 40 इंक्रीज, 40 ट्रेनों को सिर्फ फेयर इंक्रीज की है और 92 के नहीं किए, और मुझे 2 बिलियन आ गई जो फ्यूल का खर्चा है ना, 2 बिलियन वो आ गया। ये देखिए 90% 70% हमने फोकस किया ना ट्रेनों पे, ये थी बावजूद जिक्रिया इसकी बेस्ट फेयर, हमने कहा इसको अगली ट्रेन में अगले बैच में डाल, जिस ये लादा थी मैंने कहा नेक्स्ट बैच में इसको डाल दो बढ़ जाएगी, लेकिन जब परसेंटेज देखी तो उसकी 70%। हमने सिर्फ बैच चेंज किया है कि आप कह रहे थे ट्रेन इकट्ठी होती है, वो 1 लाख को उठा के दूसरी में डाल दो, सिर्फ नाम लिख दिया उसको, उसमें वो फेयर ही खत्म कर, तो वो 70% जब उसका एवरेज निकाले तो 70% में। उसके बाद 2 साल कोरोना रहा, हम लोग कुछ भी नहीं करते रहे, बस गड़बड़ी करते रहे, कर कुछ नहीं सके। 2 साल में अभी इंक्रीज देखे नवंबर में हुई है और अभी ये आज हो जाएगी, अभी भी इंक्रीज जिस दिन भी हमें, ये देखे रेल कार वाला लोहरा वलपिंडी, छोटा छोटा हमने जंक लगाया, हालांकि इसको भी तो 13-17% लगा सकते थे, तो हमने कह पिंडी है छोटा जैक लगा, 7% ले ली लाहौर मुल्तान, वो भी ऐसे 200-300 किलोमीटर तक। ये सखर कराची सखर एक्सप्रेस चलती है, चलती है, इसका बहुत प्रोसीजर होता है बहुत ज्यादा, उसको हमने 15% जो सुबह में कार है 105 ये तो बड़ा सोच है, कितनी 10% इंक्रीज हुई है, वो अभी तो यार पुराना है ना, फिर फ्यूल प्राइस पीछे आएगी तो बॉर्डर वापस आएंगे क्या वहीं पर? मैंने कहा कि 132 से 80 पे चलेंगे तो हमने कुछ नहीं किया, झूठ नहीं बोल रहा। देखो ना बात तो आप मैं पूरी बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट इन फ्रेट में हम थोड़ा सा ये लोग बेचारे नहीं बोल, हाँ अभी इंक्रीज करेंगे अब शोर मच जाएगा, फिर बढ़ गए फिर बढ़ गए, एक्चुअली वो पिछला नहीं किसी को पता कि वो कब बढ़े थे और कहाँ गए, वो तो हमें पता है, इसलिए ये इंक्रीज इसका तो इतना मसला नहीं है, लेकिन हमने रेवेन्यू बढ़ाना है तो किसी ना किसी तरह तो बढ़ाना है। ये हम देखते हैं कि हमें कहाँ से कितने पैसे आए, अब ये जितनी 40 ट्रेनों का फेयर बढ़ाया ना उसका मुझे 2.1 बिलियन, जब हम इंक्रीज करते हैं ना ये चीजें देखते हैं, ये एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड तो ये आया भी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखो एक्सपेक्टेड जो है ना वो ज्यादा नहीं हो सकता, वो तो एक्सपेक्टेड है, पोटेंशियल होता है ना, ये पोटेंशियल नहीं है एक्सपेक्टेड है, पोटेंशियल और पोटेंशियल तो चल रहा है, जिस एवरेज से रेवेन्यू आ रहा था उस एवरेज से हमने सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाया है, पोटेंशियल का उसके साथ कितना है, ये की है अचीव वाला होता है टारगेट, गवर्नमेंट के टारगेट हमें मिलते हैं, वो टारगेट हम फिर पहले हम प्रपोजल भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री भेजती है ऊपर फाइनेंस को, वहां से हमें टारगेट फिक्स करके देते हैं, वो टारगेट आके इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं, फिर उसको हमने अचीव करना होता है, वो टारगेट है उन टारगेटों मीट करने के लिए, नहीं नहीं ये तो फ्यूल का सिर्फ टारगेट नहीं, ये टारगेट अगर वही है वो वही रहेंगे, टारगेट नहीं चेंज होंगे, दरमियान में जो डिक्रीज होती है टारगेट की, मैंने एक प्लान बनाया कि इस दफा हम 4 ट्रेनें चलाएंगे तो हम इतने बिलियन कर ले, हमने चलाई 2,
टारगेट मुझे 4 का मिल गया होगा, वो नहीं चेंज हो सकता। ये है फ्यूल, जो हम फ्यूल का देखते हैं हमें क्या इम्पैक्ट आया इंक्रीज का। ये इम्पैक्ट ये 2.1 बिलियन फ्यूल हमें 2.1 बिलियन हमारे गले लगा, हमने 2.1 बिलियन उधर से ले, यानी इक्वल का ये 2.1 मिलियन है ना, तो नीचे जाकर तो 2.1 बिलियन हो गया ना, 2.192। यानी जितना मैंने अपना एक्सपेक्टेड, जितना मुझे ये खर्चा आया वो एक्सपेक्टेड मैंने उधर से निकाल, इक्वल हो गया ना जो मुझे फ्यूल का। आप यही कह रहे थे हम बढ़ाते नहीं, वो होता है कोई भी काम है उसको इक्वल करने के लिए जरूर हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। ये इसका बैकग्राउंड है कि हमने इसको देख लें, ये पैसे हमें एक्सपेक्टेड है लेकिन इसको मीट करना था हमने, इसके इक्वल हमने कर दिया। हमने कहा ठीक है बस का, अगर ज्यादा करेंगे तो हम पैसेंजर भागेगा, हमें जो खर्चा आया हमने पैसेंजर पे डाल। बहुत शुक्रिया जी, चलो ये भी खत्म होगी। एनी क्वेश्चन? एक पैसेंजर